हेलो एवरीवन, मैं नंदिनी सिंह। वेलकम टू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ BHU पाठशाला। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो है इंडियन पॉपुलेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि मेरा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि लास्ट में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी जो एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। और आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्रीमियम कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप वहाँ से डिटेल्स पता कर सकते हैं। एंड देन सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अपना टॉपिक देखेंगे जो है इंडियन पॉपुलेशन, जिसका मतलब होता है जनसंख्या। इंडियन पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि लाइक इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि डेंसिटी हुई हमारी पॉपुलेशन की, ग्रोथ हुई, ये सब मतलब कैसे कैसे वेरिएशंस आए पॉपुलेशन में। अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन इंडिया की वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन की रैंक पे आता है, सेकंड नंबर पे, फर्स्ट हमारा चाइना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा फैक्ट है, जो फैक्ट ज़रूरी है जानना, जैसे कि इंडिया इज़ द सेकेंड आफ्टर चाइना इन टोटल पॉपुलेशन 1028 मिलियन इन 2011 इन दी वर्ल्ड। जैसा मैंने बताया है कि इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलर पॉपुलेशन कंट्री है, चाइना के बाद जो आता है। अगर फिर आपके एक मन में क्वेश्चन आएगा कि चाइना इतना डेवलप्ड क्यों है और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने के बाद भी डेवलपिंग स्टेज पे क्यों है, तो इसके भी कई फैक्टर्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। मैंने इसको हिंदी में भी बताया है कि विश्व में कुल जनसंख्या 128 मिलियन, जो कि 2011 में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक है, पहला पॉइंट हम देख लिए। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इंडियाज पॉपुलेशन इज लार्जर देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया पुट टुगेदर। अगर हम तीन कॉन्टिनेंट को अगर एक साथ ले लें, जो है ऑस्ट्रेलिया को, साउथ अमेरिका को और नॉर्थ अमेरिका, इन तीनों के टोटल पॉपुलेशन को एक साथ अगर जोड़े तो हमारे इंडिया का पॉपुलेशन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का वितरण क्या है। ठीक है, इंडिया हैज़ हाईली अनइवन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। यूपी हैज़ दी, मतलब उत्तर प्रदेश हैज़ दी लार्जेस्ट शेयर ऑफ पॉपुलेशन, फॉलोड बाई महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। इंडिया का जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसकी जनसंख्या मतलब बहुत एक दूसरे से असमान है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे लार्जेस्ट शेयर करता है पॉपुलेशन में, उसके बाद आता है हमारा महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, दिस स्टेट्स अलॉन्ग विथ तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका एंड गुजरात अकाउंट फॉर 76% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। फिर इन सब स्टेट के साथ और भी स्टेट को अगर एक साथ लिया जाए, जैसे कि तमिलनाडु हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, कर्नाटका हुआ, गुजरात हुआ, ये टोटल पॉपुलेशन जो कंट्री में देता है 76%, इन सब स्टेट्स को अगर एक साथ मिलाए तो 76 टोटल पॉपुलेशन आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी मतलब जनसंख्या की क्या घनत्व है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेंसिटी को कैसे मेज़र करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ पर पर्सन पर यूनिट एरिया, मतलब इसे प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, डेंसिटी मतलब उसकी घनत्व देखते हैं कि मतलब कितना एक एरिया में कितने पर्सन, कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है, सबसे पहला है फिजियोलॉजी डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया। मतलब फिजियोलॉजी से आप समझ सकते हैं, मींस इट्स टोटली डिपेंड ऑन आवर बॉडी, मींस हमारे शरीर की क्रिया विज्ञान घनत्व देखती है। तो वो किस पे होता है, मेज़र किया जाता है, मेज़र किया जाता है टोटल पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया। जैसे यहाँ लिखा है कि कुल जनसंख्या और उसके अपॉन आता है शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर डेंसिटी, वो क्या है, इज इक्वल टू टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टिवेबल एरिया। मतलब कृषि घनत्व पूरा जो है कुल कृषि जनसंख्या उसके अपॉन में आता है शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र। ठीक है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा
ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, कैसे ग्रोथ होता है पॉपुलेशन का, मीन्स लाइक यहाँ बात किया जा रहा है कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ता है, मतलब उसकी जनसंख्या में कैसे वृद्धि आती है। इट इज़ चेंजेस इन द नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टाइम। इट्स रेट इज़ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज़ 1.64%। यह समय के दो बिंदुओं के बीच एक क्षेत्र में लोगों की संख्या में परिवर्तन है। लाइक चेंज मतलब एक टू पॉइंट मतलब दो पॉइंट ऑफ टाइम में एरिया बिटवीन पीपल और उनके मतलब जो चेंजेस आते हैं नंबर ऑफ पीपल में जो चेंजेस आते हैं एरिया वाइज उसकी बात कर रहा है। और एनुअली ग्रोथ जो होता है इंडियन पॉपुलेशन का वो 1.64% की रेशियो या रेट में बढ़ता है। तो इसको आप याद कर सकते हैं क्योंकि MCQs में ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस कि मतलब एनुअल ग्रोथ जो है इंडियन पॉपुलेशन की किस रेट से होती है, मतलब 1.64% की रेट से ये ग्रोथ करता है इंडियन पॉपुलेशन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम सेक्स रेशियो। यहाँ पे बात की जा रही है द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मैन एंड वीमेन इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब मेल इसका मेन अगर कोई पूछता है कि सेक्स रेशियो को हम कैसे मेज़र करते हैं तो इसका ये होता है कि सेक्स रेशियो इज इक्वल टू मेल पॉपुलेशन अपॉन फीमेल पॉपुलेशन इनटू 1000। पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। तो लिंगानुपात कैसे निकालते हैं, मेल पॉपुलेशन अपॉन फीमेल पॉपुलेशन इनटू 1000, ठीक है। और इंडिया में इसको कैसे कैलकुलेटेड किया जाता है सेक्स रेशियो को, फीमेल पॉपुलेशन अपॉन मेल पॉपुलेशन इनटू 1000। मतलब भारत में इसकी गणना जो है इस प्रकार की जाती है कि फीमेल पॉपुलेशन अपॉन मेल पॉपुलेशन इनटू 1000। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडोलेसेंट पॉपुलेशन। मतलब एडोलेसेंट मतलब कौन सी जाति, 10 to 19, मतलब जिसमें हम लोग टीनेज होते हैं, ठीक है। किशोर जनसंख्या मतलब 10 to 19 ईयर्स की एज को कहते हैं हम लोग टीनेजर्स, मतलब एडोलेसेंट कहलाते हैं हम लोग इसमें। इन इंडिया एडोलेसेंट पॉपुलेशन इज़ अबाउट 20.9% 2000 में ये इसकी कैलकुलेशन की गई होगी। ऑफ विच 53% ऑफ मेल एंड फीमेल इज़ अबाउट 47%। दे हैव हाई पोटेंशियल बट शुड बी गाइडेड इन द राइट डायरेक्शन एज दे आर वल्नरेबल। इंडिया की एडोलेसेंट पॉपुलेशन है जो मेज़र की थी 2011 में वो 20.9% थी। 53% जो थे मेल की रेशियो थी, फीमेल की रेशियो 47% थी। और इनके में मतलब एडोलेसेंट इस एज में 10 to 19 ईयर्स की एज में हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होती है, मींस किसी भी चीज़ को करने की पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होती है इस एज के बीच में, अगर सही तरीके से गाइड किया जाए जैसा कि यहाँ लिखा है, तो ये बेहतर, ये हमारा यूथ अच्छा काम कर सकता है किसी अच्छे वे में। लाइक इसका हिंदी देख लेते हैं कि एक मिनट, भारत में किशोर जनसंख्या लगभग 20.9% है 2011 में, जिसमें पुरुष जो थे 53%, महिला 47% हैं। उनके पास उच्च क्षमता होती है, ठीक है, लेकिन उन्हें सही दिशा में निर्देशित किया जाने चाहिए क्योंकि वे कमज़ोर हैं। हाँ, हमारी मतलब रास्ते हम भटक सकते हैं, लाइक हमें सही गाइडेंस की ज़रूरत है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ये पॉइंट, नेशनल यूथ पॉलिसी, जो नेशनल यूथ पॉलिसी थी जो 2003 में निकाली गई थी, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ये MCQs में कई बार पूछा गया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया कि नेशनल यूथ पॉलिसी किसने लाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन से ईयर में, 2003 में, ठीक है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय युवा नीति कब चालू की गई थी, 2003 में भारत सरकार द्वारा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन, ग्रामीण शहरी संरचना, ठीक है। कॉम्पोजिशन रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर को, उसके स्टेटस को दिखाता है कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में और अर्बन सिटीज़ में हम क्या देखते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल्स को क्या देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट कहता है, कॉम्पोजिशंस ऑफ पॉपुलेशन बाई देयर प्लेसेज ऑफ रेसिडेंस इज़ एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ कंट्री। जैसा मैंने बताया, रेसिडेंस मतलब जहाँ लोग, हमारी पहचान जो होती है, हमारे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की जो एक कंट्री की जो पहचान होती है वो कहाँ से देखी जाती है, उसकी कॉम्पोजिशन की, पीपल कहाँ से बिलोंग करता है, उसके रेसिडेंस कहाँ वो रहता है। हिंदी में वही एक्सप्लेन किया है कि उनके निवास स्थान द्वारा जनसंख्या की संरचना किसी देश की सामाजिक,
आर्थिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, ठीक है। इससे संकेत मिलता है, मीन्स पता चलता है कि हमारी सोशियो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था, सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक अर्थस्थिति के बारे में बताया जाता है, ठीक है। इन इंडिया 68.8% लिव इन द विलेजेस, मतलब 68.8% 100% में से 68.8% लोग विलेज में रहते हैं। लाइक बिहार और सिक्किम हैव हाई परसेंटेज ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन, गोवा एंड महाराष्ट्र आर ऑलमोस्ट 50% लिविंग इन दी अर्बन एरियाज। बिहार सिक्किम हाई परसेंटेज है, यहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है, और गोवा और महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट 50% अर्बन एरियाज वाले लोग, मतलब वहाँ ज़्यादातर अर्बन एरियाज की लाइफ स्टाइल रहती है, वहाँ लोग रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में 68% गाँव में रहते हैं, मतलब बिहार या सिक्किम में छोटी आबादी की प्रतिशत अधिक है। गाँव और सॉरी गोवा और महाराष्ट्र में लगभग 50% शहरी क्षेत्र में रहते हैं, शहरी क्षेत्र में लोग रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन, भाषाई संरचना, लिंग्विस्टिक, ठीक है, मीन्स लैंग्वेजेस, कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी यूज़ होती हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट हाईएस्ट परसेंटेज जो यूज़र हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं हिंदी लैंग्वेज, प्रिफरेबली हर जगह हिंदी लैंग्वेज यूज़ होते हैं, लेकिन अपने अपने रीजन्स में लोग एक बाउंड्री सेट किए रहते हैं, मेंटेन किए रहते हैं, जहाँ पे ग्रेजुअली अपना अपना एक लैंग्वेज होता है। जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, एज़ पर लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1903 to 1928 देयर वर 179 लैंग्वेजेस एंड 544 डायलैक्ट्स इन इंडिया। मतलब 1903 से 1928 के सर्वे में ये देखा गया कि 179 लैंग्वेजेस और 544 डायलैक्ट्स हैं इंडिया में। इन मॉडर्न इंडिया देयर आर अबाउट 22 स्केजुअल लैंग्वेजेस एंड मैनी नॉन स्केजुअल्ड लैंग्वेज। आप इसको शेड्यूल भी पढ़ सकते हैं और स्केजुअल भी पढ़ सकते हैं, दोनों ही ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको स्केजुअल प्रोनंसिएशन मेरा है। इन मॉडर्न इंडिया में अगर देखा जाए तो 22 स्केजुअल लैंग्वेजेस हैं और बहुत से नॉन स्केजुअल्ड लैंग्वेजेस हैं। भारत के भाषीय सर्वेक्षण में, मतलब 1903 टू 1928 के अनुसार भारत में 179 भाषाएं और 544 बोलियां थी, डायलेक्ट्स, मतलब जो जो लोग बोलते हैं अपने अपने सुविधा अनुसार। आधुनिक भारत में लगभग 22 अनुसूचित भाषाएं और कई गैर अनुसूचित भाषाएं हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्यूपेशनल कॉम्पोजिशन, व्यावसायिक रचना। इसका मतलब क्या है कि लोग किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा, हम लोग को पता है कि 3 मेन इंपॉर्टेंट सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, एक और सेक्टर होता है, दो और ऐसे सेक्टर होते हैं जो है कॉटनरी और क्वाइनरी, ये दो और सेक्टर होते हैं। बट बेसिकली हम पढ़ते हैं 3 सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। इसमें यहाँ कह रहा है कि इट शोज़ अ लार्ज प्रपोर्शंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर्स वर्कर कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। यहाँ पे ये कह रहा है कि लार्ज प्रपोर्शन जो है इंडिया में वो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड है। जैसे कि विलेजर्स जो हैं हमारे वो प्राइमरी सेक्टर, मतलब हम आज भी प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंड हैं इन कंपेरिजन ऑफ सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर पे जैसे कि हमारा जो एग्रीकल्चर है, फार्मर सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पे, और हम इंडिया खुद एग्रीकल्चर पे सबसे ज़्यादा बेस्ड हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम पॉइंट, 53% कल्टीवेटर्स टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, 3.8% इन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, 4.16% अदर वर्कर्स, नॉन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, ट्रेड, कॉमर्स, कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कल्टीवेटर्स हैं 55% जो है सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर पे, जो माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र के लोग जो हैं के लिए कृषक हैं, 3.8 घरेलू उद्योगों में हैं, 41.6% अन्य श्रमिक, गैर घरेलू उद्योग, व्यापार, ये मतलब इन सब चीज़ों में, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, इन सब चीज़ों में लोग अपना ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन लोग का है, इंडिया का क्या है, मतलब इतने इतने परसेंट पे लोग डिवाइडेड हैं। जैसे कि आप अगर देखना चाहे तो ऑक्यूपेशन में कई चीज़ें आती हैं, जैसे कि वर्किंग पॉपुलेशन में जैसे मेन वर्कर होते हैं, मार्जिनल वर्कर होते हैं, नॉन वर्कर होते हैं, मतलब इनके ग्रुप्स डिवाइड किए गए, मतलब इंडियन पॉपुलेशन में इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से 3 वर्किंग पॉपुलेशन के कॉम्पोजिशन है, जैसे मेन वर्कर हुआ, ठीक है, और मार्जिनल हुआ आपका,
ठीक, फिर नॉन वर्कर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेन वर्कर जो होते हैं, जो कम से कम 183 डेज तक, एटलीस्ट 183 डेज काम करते हैं एक साल में, इतने दिन 183 डेज। मार्जिनल वर्कर जो होते हैं वो लेस देन, मतलब इससे कम, मतलब 183 से कम दिन मतलब काम करते हैं, या 6 महीने में। और नॉन वर्कर होते हैं जो कुछ काम ही नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर डज इंडिया रैंक एज अ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि विश्व जनसंख्या के रूप में भारत का स्थान कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर है, सबसे पहला ऑप्शन है फर्स्ट, पहले में, सेकंड, सेकंड में, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, सेवन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सेकंड, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है हमारा सेकंड, ऑप्शन सेकंड इज़ राइट आंसर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ दी हाईएस्ट सेक्स रेशियो, ठीक है। किस स्टेट की सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो ज़्यादा है, लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किस स्टेट की हाईएस्ट है, सर्वाधिक है। तो ऑप्शन ए है हमारा केरला, बी हिमाचल प्रदेश, सी उड़ीसा और डी तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मतलब ए केरला। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट हैज़ दी हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन, किस स्टेट की सबसे ज़्यादा डेंसिटी पॉपुलेशन, मतलब सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हमारा हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, सॉरी सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड वेस्ट बंगाल, फोर्थ बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा फोर्थ बिहार। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, द एवरेज डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2011 इज़ पर किलोमीटर, मतलब किलोमीटर के हिसाब से इंडिया का सबसे एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन कितना है। नंबर वन ऑप्शन है 216, सेकंड 382, थर्ड 221, फोर्थ 324। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, 382 एवरेज डेंसिटी है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, इन हाउ मैनी ईयर्स इंडियाज़ पॉपुलेशन विल बी डबल्ड, मतलब कितने ईयर्स में मतलब जनसंख्या दुगनी हो जाती है। तो ऑप्शन पहला है हमारा 32 ईयर्स, सेकंड है 34 ईयर्स, थर्ड है 36 ईयर, फोर्थ है 38 ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है 36 ईयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, द लिटरेसी रेट इन इंडिया इज़ भारत में, क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है मतलब है कि लिटरेसी रेट इंडिया में, मतलब भारत में साक्षरता दर कितना है, मीन्स कितना परसेंट है। तो नंबर वन है 55%, सेकेंड 60%, थर्ड 74%, फोर्थ 67%। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड 74%, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज़ द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, मतलब निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। मतलब इसमें क्वेश्चन में लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं, एग्जाम में जब आता है लोग एशिया लगा के आते हैं, एशिया, बट इसका करेक्ट आंसर आपका होता है अफ्रीका, क्योंकि कॉन्टिनेंट की बात की है यहाँ पे। तो अफ्रीका जो होता है सबसे हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है अफ्रीका का, ठीक है। ऑप्शन वन जो है आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं, व्हाट वाज द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस, मतलब 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या थी। तो ऐसा मैंने लेक्चर में बताया था कि ये परसेंटेज याद रखना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 1.16, सेकंड है 1.64, थर्ड है 2%, फोर्थ है 2.5%। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सेकंड, 1.64%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट इन इंडिया हैड दी हाईएस्ट पॉपुलेशन एज पर दी 2011 सेंसस, कौन सा स्टेट मतलब हाईएस्ट पॉपुलेशन है, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक थी। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन किसकी थी, ऑप्शन ए है हमारा उत्तर प्रदेश, सेकंड है पंजाब, थर्ड है वेस्ट बंगाल, फोर्थ है हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन, उत्तर प्रदेश, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर
हेल्प आई होप ये लेक्चर आपको हेल्पफुल हो और ये MCQs भी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। इसे ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए, एंड थैंक यू सो मच।